हैं कहाँ इस संसार में। दो जात की लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है, दलित का पिस्ता इस चक्कर में आज तक किसी को ये नहीं पता चला, दलित कैसे इसमें सफ़र कर रहा है। एससी एसटी ओबीसी कोई हमारे पे इन्होंने दान नहीं दिया है, हमारा अधिकार है, हमारा बनता है, हम संतों के वंशज हैं और इस संतों का देश था, हिंदुओं का देश नहीं था, संतों का देश था, हम संतों के वंशज हैं। और फिर बोलते जी हम हिंदू हैं, तो हिंदू हम लोगों को मारता क्यों है, हमारे आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलता है, हमारे आरक्षण के विरोध क्यों करता है, और हमें फिर इसी नीचा क्यों देखा जाता है, हम हिंदू हैं तो उनके कहने से, लेकिन हम सनातन धर्मी हैं इसीलिए उनके विरोध में हमेशा रहते हैं, वो इसीलिए हमारे को नज़रअंदाज करके देखते हैं, क्योंकि हम उनके लिए हिंदू होकर हिंदुत्व की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये दो पार्टीशन हो गए। दो पार्टीशन के पहले हिंदू और मुसलमान था, अब हिंदू और हिंदुत्व है, और इस बीच में भी हमारा दलित समाज, ओबीसी समाज और हमारा जाटव समाज और वाल्मीकि समाज पिस रहा है। और हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा को अधिकार दिए थे, वो उस पे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस अधिकार के खिलाफ जो भी हमारा बोलता वो हमारा भाई नहीं, हमारा शत्रु है, और जो हमारा हक है वो हमारा हक रहेगा, और आरक्षण तो हमारा है और हमारा ही रहेगा। भवानी जी, अच्छा, बाबा साहब की बात, बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं पर बाबा साहब की बातों को नहीं मानते हैं। देखिए बाबा साहब को तो दलित ने सबने नहीं माना है, ये बोले जी स्वर्ण नहीं मानते, क्यों आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन वो मान रहे वो नहीं मान रहे, वो हमें दे रहे नहीं दे रहे। उन्होंने लिखा है समानता, सबको समानता होनी चाहिए, सबको एक बराबर है, सबका स्वाभिमान एक बराबर है, सबको पढ़ने का अधिकार है। आज पढ़ने का अधिकार के लिए रोकने के लिए आज जेएनयू में 40% बच्चे वो हैं जो दलित समाज और गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से आते, जिनकी इनकम 28,000-29,000 से सालाना नहीं है ज़्यादा, उन बच्चों को फीस बढ़ा दी गई, यानी कि हमें शिक्षा से भी वंचित करा जा रहा है। एक हिंदुस्तान में एक यही यूनिवर्सिटी है जिसमें खुलकर बोलने का भी अधिकार है, और जो खुल के बोलता है या वो आतंकवादी होता है, वो देशद्रोही होता है। लेकिन हमें ना तो एनआरसी से डर लगता है, और ना हमें किसी को देशद्रोही कहने का हमारा कोई हक है, क्योंकि ना तो हमने कभी मंदिर तोड़ा है और ना कभी मस्जिद तोड़ी है। मंदिर मस्जिद के बीच में मेरे बहुजन समाज ने, मेरे दलित समाज ने हमेशा ही सफ़र करा है, क्योंकि बस्तियाँ हमारी जलती है, बहन बेटियों की इज्जत हमारी लुटती है, घोड़े पे बैठने से हमें रोका जाता है, मूछ रखने से हमें रोका जाता है, टॉयलेट करने पे हमारे बच्चों को जान से मार दिया जाता है। इस देश में जो कहा जाए सबसे बुरा हालात इस समय हमारे दलित समाज की है, या तो हमारे को ये समझा दिया जाए, या हम हिंदू हैं तो हमारे साथ ऐसा होता के, क्योंकि हिंदू हमारे को अछूत समझते और मुसलमान हमें हमारे को समझते नापाक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।